सुमित्रा, कुछ खा लो। ऐसे कैसे काम चलेगा? बच्चों को खिला तो कहो जैसा। बच्चे तो खा पी कर राजू के साथ घूमने चले गए। लो तुम कुछ खा लो। खाओगी नहीं तो बच्चों का जतन कैसे करोगी? अजी, बच्चों का जतन करने के लिए हम लोग हैं ना। तो बेचारा राजू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसके बाबा लोगों को घुमाने ले गया है कंपनी बाग। तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारे जेठ से गुस्सा है ना, इस मारे ऐसा कह गए। हाँ हाँ, जो सीख तेरे बाप ने तुझे दी वो तू अपनी ननद को दे दे कि पियर को अपना घर समझो और ससुराल को अखाड़ा। वहां जाकर लड़ो और यहां आकर रो। मेरे भगवान जाने कि मेरे ऊपर मुसीबतों के कैसे कैसे पहाड़ टूटे ससुराल में, लेकिन मैं कभी रोने पियर नहीं आई। इस वक्त भी बाबूजी के बुलाने पर इनके इलाज के लिए आई थी। किससे इलाज करवाने आई थी? अपने भाई देवी प्रसाद से, जो अब तक झांकने तक नहीं आया, क्या अपनी भाभी की बुआ जी से, जिसने ऐसा इलाज किया कि अगला तो ऊपर पहुंच गया और मुसीबत हमारे वास्ते छोड़ गया। 5-6 दिन में इतना बोझ लगने लगा हमारा, बोझ ऐसा जहर मंगवा दो हम सब के लिए। हाँ, जहर भी अब हम ही मंगवाए। इस अनपढ़ भगन के बच्चों का क्या होगा मुझे? ऐसा बच्चों का क्या होगा? कानूनी कार्रवाई से अब तो काम बनेगा दादाजी, मैंने वकील की सलाह कर ली है। अरे प्रेमा, मैं तुम लोगों के हाथ छोड़ता हूँ। अब वकीलों से सलाह करके मेरे घरेलू मामलों में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं। अरे जब घर मेरा है तो तेरा घरेलू मामला कैसे हो गया? मुझे तो आपकी अकल पे तरस आता है जी। अरे मेरी अकल का लोहा तो बड़े बड़े अंग्रेज मानते थे। वो था ना मॉरिस एक्सियन, एक बार मैंने उसकी भी गलती पकड़ी थी। भरे दफ्तर में उसने कहा था, बाबू शिव प्रसाद जी यू आर ए ब्रेनी फेलो। अरे वो मॉरिस भी मर खप गया और उसके साथ में आपका ब्रेन भी। अगर ब्रेन बचा होता तो आप इसे सुमित्रा के ससुराल वालों का घरेलू मामला ही मानते। चीजा जी, सुमित्रा आपकी बहन है, उसके घर का मामला आपका मामला ही तो हुआ। तू चुप रहे। आधी आग तो तूने उस टाइम लगाई थी जब तू सुमित्रा को यहाँ लाई थी, और आधी आग तूने उस लोफर कुमार को सुमित्रा के जेठ के पास भेज कर लगाई। भौजी आप भी कान खोलकर सुन लो, सुमित्रा के आदमी का दाह संस्कार तो मैंने कर दिया, अब इससे आगे शास्त्रों के अनुसार न तो मैं कुछ कर सकता हूँ और न मैं कुछ करूँगा। जाजी आपका शास्त्र भी बड़ा मजेदार है, जिसमें मुसीबत ज्यादा लोगों की मदद करने का फर्ज ही नहीं बनता। अरे मुसीबत में तो पड़ा हुआ हूँ मैं, तेरी और उस लोफर कुमार की वजह से। सुमित्रा के जेठ ने तो ठीक ही पूछा था ना। भाई तू यहाँ क्या पूछने आया? और ये पूछने आया है कि तू आदमी है या हलान, तुझे तेरे छोटे भाई के गुजरने का तार बेटा गया और तू आया तक नहीं। लेकिन किस नाते से? जीजाजी जाने को तो आपसे कहा गया था, लेकिन आप गए नहीं, इसलिए कुमार साहब चले गए इंसानियत के नाते।